इसमें अगर हल जोता जाए तो आधे खेत में पहले बहाना पड़ता है, फिर उसके बाद आधे खेत में। यहाँ खाली पैसा वेस्ट कर रखा है बस, और कुछ नहीं। तो इससे ज़्यादा खेत संभलेंगे नहीं और जो उजड़ेंगे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग में। मैं सौरभ चौहान स्वागत करता हूँ आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो मैं फिर से आ आया हूँ अपने ये खेतों में, क्योंकि आज मेरा ब्लॉग की जो स्टार्टिंग हो रही है वो थोड़ा लेट हो रही है, क्योंकि मैं गया था खेतों में और मैं सुबह कहीं गया था तो इसलिए मेरे फ़ोन में चार्ज नहीं था, तो इसलिए मैंने ब्लॉग आज लेट स्टार्ट किया है। तो मैंने सोचा डेली ब्लॉग तो हमारा चल ही रहा है, तो डेली कंटेंट हमने ठाना है कि डेली कंटेंट थोड़ा लाइफस्टाइल ब्लॉग दिखाएंगे आपको। तो फाइनली मैं अभी यहाँ आया था और मेरी मम्मी की थोड़ा तबीयत ख़राब हुई थी, तो मैं अभी नीचे यहाँ बकरी चराने आया हूँ और ये मेरी बकरियाँ यहाँ चल रही है, क्योंकि यहाँ खेतों में और कुछ बकरियाँ यहाँ हैं, तो बाकी बकरियाँ मेरे को दिख नहीं रही है मेरी, शायद वो ऊपर गई है यहाँ से। तो कुछ ऐसे हैं और छोटी छोटी पटियाँ मेरी, जो छोटी छोटी बकरी के छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो वहाँ चल रहे हैं, बाकी जो चल रही है वहाँ चल रही है। तो आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, तो आज के मौसम की अपडेट दी जाए तो फर्स्ट क्लास सी धूप आ रखी है इन खूबसूरत से पहाड़ के खेतों में, सीढ़ीदार खेतों में। तो मैं अपने जो ब्लॉग की स्टार्टिंग है आज वो खेतों से दे रहा हूँ और इन बकरियों के बीच से, क्योंकि इनको भी चराना काम है। इनको अगर छोड़ दिया ऐसे तो खतरा है बहुत ज़्यादा। बुआ वो कबर देखी, कबर ये कगे काचे, अच्छा आगो आगो, हाँ आगो। तो मेरी एक बकरी नीचे चली गई है, अब मेरे को लेना जाना पड़ेगा उसको, क्योंकि वहाँ खतरा है। और उस बकरी को ऊपर लेके आते हैं, अगर थोड़ी सी भी भूल चूक हो गई तो शायद तो उस बकरी को हमारा जो आदमखोर बाघ है वो ले जा सकता है। तो ऐसे डर भी रहता है कि इनको चराने का बहुत डर रहता है। अब आप सोच रहे हो तो आप लोग सोच रहे होंगे कि दिन में कहाँ आता है बाघ वाघ, लेकिन पहाड़ों में ऐसा नहीं होता है, दिन में भी आ जाता है और पता भी नहीं चलता। अन्य जानवर भी रहते हैं, उनका भी डर रहता है। तो ऐसी कुछ स्थिति है यहाँ की। फिलहाल नहीं, तो अभी हमारे जो गांव के गाय हैं वो गई है जंगल, लेकिन जो बकरियाँ बकरियाँ वो तो यहीं खेतों में चल रही है। ऐसे जंगल तो आजकल बहुत कम जा रहे हैं चराने के लिए, कोई कोई जा रहा है लेकिन ज़्यादा जने तो खेतों में ही चरा रहे हैं। तो खेतों में भी वैसे कुछ हो नहीं रखा है अभी, खेतों में कुछ फसल असल उगाई थी कुछ महीने पहले, आपको ब्लॉगों में देखा होगा। तो अब इसमें इसके बाद आराम से हल जोतेंगे, फिर इसमें भी फसल बोई जाएगी। डैंड की फसल उगी है, तो वैसे ही इनमें भी फसल उगाएंगे। तो इस साइड को मेरी बकरी गई है, सही मैं इसी साइड को चाहता हूँ आगे को, क्या पता मिल जाए मेरे को, क्यों ऐसा होता है ना। और इन खूबसूरत वादियों में वहाँ के नज़ारे देखें। अभी मैं बैठा था वो सूरज भाई के घर, वहाँ से देख रहा था, तो मैंने सोचा चलते हैं और ब्लॉग भी शुरू करते हैं अपना। और मेरी बकरी का कहाँ छुप हुआ है, ओ बुआ हैं कहाँ छे, अरे तो ये यहीं छुपा है, बुआ थी यहाँ तो अच्छा हुआ बुआ ने रोक रखा है उसको। बहुत चोर पकड़ चुका तय के भरस थोड़ा चे, हम्म। तो भैया जी ऐसा होता है पहाड़ों में लड़कों का जीवन, अगर कहीं नहीं गए तो जाओ बकरी की कॉलर जाओ और बकरियां चराओ, तो ऐसा ही होता है। देखिए अब इनको चराना ठहरा एक बजे तक दो बजे तक, तो नहीं चराया तो प्रॉब्लम, चराया तो नहीं, अगर कुछ काम नहीं है तो इनको चराना पड़ता है और इनका डर भी ठहराना, क्योंकि अगर ये थोड़ी सी भी रह गई तो इनको सबसे ज़्यादा बाघ की डर है, क्योंकि बाघ यहाँ को चली जाती है। चल चल अब इधर को, इधर को नहीं जाना ठहराना इन्होंने। आ आ हाय हाय, तो ऐसा था रहा इनका, खासकर तो बाघ का डर था। बाघ अगर
इनको ले गया तो पता भी नहीं चलेगा आपको, पता नहीं ठहरा बाघ का कितना डर होता है आजकल पहाड़ों में, तो बाघ का ज़्यादा ही आतंक रहता है। और वो भाई लोग कमेंट करना जो कि मेरी तरह डेली ब्लॉग देते हैं ऐसे टाइप की, जो भी बकरिया वाला जाते हैं और ऐसे ऐसे मतलब मेरे जैसे ब्लॉग बनाते हैं, तो उनको भी दिक्कतें आती होगी ये, तो ऐसा करना पड़ता है ना अब थोड़ा बहुत। अब घर में रह लो तो थोड़ा बहुत काम करने पड़ते हैं ना, तो फिर आप पता ही ठहरा घर में कितना सुनने को मिलता है। ऊपर से वीडियो बनाते हैं हम, और फिर उसके बाद सुनाते भी है कि ये वो फलाना धमकाना चलता है ना पहाड़ों में इतना, और अब काम नहीं किया तो प्रॉब्लम, तो इससे अच्छा बकरी चराओ। और यहाँ है कि वैसे भी बैठना ही है रहा, वैसे मेरा तो ब्लॉगिंग का काम है, मैं ब्लॉग बनाता हूँ और थोड़ा बहुत दिखाता हूँ फिर पहाड़ की इन संस्कृति को और ये अपनी लाइफ स्टाइल, मेरी लाइफ स्टाइल जैसे मैं अपनी लाइफ को दिखाता हूँ रोज़ डेली ब्लॉग के माध्यम से। और ये सूरज भाई मेरे को वहाँ से ऊपर से चढ़ा रहा है क्योंकि इसने सब बकरियाँ बेच दी ना वो ऊपर है उसका घर, ये है उसका घर और इधर से आ रहा है वो, मैं दिखाता हूँ वहाँ जो। ओ सूरज ये है, ये जा रहा है, ये जा रहा है, तो एक बोल रहा है कि चारा चारा बकरी, हाँ सही कर रहा है कह रहा। और ऐसे नहीं बोलते कि पहाड़ों का जीवन सही है, पहाड़ों में जाना सही है, लेकिन पहाड़ी लाइफ स्टाइल जो होती है ना बहुत ख़तरनाक होती है। पहाड़ों में जाना तो अच्छा लगता होगा आप सभी लोगों को, लेकिन पहाड़ों में रहना और पहाड़ी जीवन को जीना वो बहुत कठिन है, क्योंकि ऐसे ऐसे परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है पहाड़ के लोगों को। आपको क्या बताएं, अगर आप एक महीने पहाड़ में रहोगे और फिर पता चलेगा आपको कि क्या क्या होता है। तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ आया हुआ था और यहाँ देखिए इस प्रकार कुछ मौसम हो रहा है, गर्मियों का टाइम भी हो रहा है, धूप भी खतरनाक लग रही है और गले में प्यास भी है, उधर प्यास भी लग रही है और इधर कोई पानी का वो भी नहीं है स्रोत, तो सामने नीचे गधेरे में है, यहाँ से बहुत दूर है। तो मैं तो फ़िलहाल अभी यहाँ बकरी चला रहा हूँ, तो मेरे हालत तो ऐसे ही डाउन हो गए। और अभी मैं जाऊँगा सीधे ऊपर को और थोड़ा बहुत बकरिया को चराता हूँ, फिर यहाँ थोड़ा मज़े लेता हूँ उनके साथ। तो इस साइड को बहुत डर ठहरी यार, इस साइड को बकरियों को नहीं जाने देना है, ये तो ये हमारे घर हैं, यहीं से परसों बकरी को ले गया था बाघ, तो बाघ से बचाना है ना, बाघ और शाव से, पहाड़ी शाव। तो दोस्तों मैं सीधे जा रहा था, तो सामने मेरे को मिला जो हमारे गांव में नल लगा रखे हैं ना खेतों में, तो उनके बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ जो ये नल लगा रखे हैं। ये नल, ये देखिए सामने जो नल लगा रखे हैं, ये इन नल में मुझको कुछ कहना था। अब जो ये नल लगा रखे हैं ना, ये आज से जब मैं 10 में था तब से ये नल लगे हैं, तो इसमें पानी कब आता है, महीने में एक बार। तो ये नल एक हिसाब से खाली पैसा वेस्ट ठहरा इसमें, इससे अच्छा कहीं और जगह लगा लेते तो शायद कुछ अच्छा होता। लेकिन अब इन नल से लगाए, जो ये पाइप लगा रखे हैं मोटे नल, तो इसमें कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है और नुकसान हो रखा है खेतों का। तो मुझे गांव वालों ने ये करना था कि ये जो पाइप आ रहे हैं इनके लिए मना कर देना चाहिए था। जब पानी आपके गधेरों में था तब गाँव वालों ने कुछ अपने खेतों के लिए, यानी अब गधेरे सूख गए हैं तो पानी को अब वहाँ से ला रहे हैं नदी से, तो अभी इन पाइपों का क्या फ़ायदा। देखिए पहली बात तो इन पाइपों ने खेत ख़राब कर दिए हैं, ठीक है, और ऊपर से इसमें अगर हल जोता जाए तो आधे खेत में पहले बहाना पड़ता है फिर उसके बाद आधे खेत में, तो ये कुछ काम का नहीं ठहरा ना, खाली इसमें पैसा वेस्ट ठहरा। सरकार भी पता नहीं ऐसी चीज़ों में क्यों देती है। और इन पाइपों के लिए आपको पता होना चाहिए कि इन पाइपों के लिए नहर चाहिए, यानी कि दो तरफ की नहर चाहिए, जैसे कि वो छोटे खेतों में पहले बनी थी, तो तब पानी प्रॉपर खेतों में जाएगा। वैसे भी इतने छोटे छोटे खेतों में पानी कहाँ रुकता है, और ये खेतों के लिए पानी आ रखा है तो खेत तो उससे कम सुधरेंगे लेकिन तबाह ज़्यादा होंगे, क्योंकि अगर मोटर से ये पानी खींचा जाएगा तो बहुत स्पीड में पानी आएगा और पाइप भी बहुत मोटा है, तो इससे ज़्यादा खेत संभलेंगे नहीं और जो उजड़ेंगे। तो ये खाली लगा रखा है, इसमें मेरी यही राय है कि यहाँ खाली पैसा वेस्ट कर रखा है बस, और कुछ नहीं, पैसा वेस्ट करना आता है सरकार को और कुछ नहीं। अभी इतने अच्छे खासे खेत थे, इनमें पाइप लगाने की क्या ज़रूरत थी, काम तो पहले भी चल रहा था, इससे पहले अच्छा काम चल रहा था, लेकिन अब देखिए खेतों के बीच में से
खेतों के अगल बगल से ये पाइप लगा रखे हैं, तो आज आधा नुकसान तो इन पाइपों ने कर रखा है खेतों का। पानी वानी तो कुछ आ नहीं रहा है, खाली बस लगाने को लगा दिया और एक साल दो साल तीन साल तक तो इसमें पानी नहीं आया। अब पानी आ रहा है तो एक एक महीने बाद आ रहा है, वो भी कैसा पता भी नहीं चल रहा कब टाइमिंग है उसकी, कुछ नहीं। अब ये पानी जब आएगा तब आएगा, तब तक हमारे खेत भी सब ख़त्म हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे, तब ये पाइपों में से पानी आएगा जो कि किसी काम का नहीं है।